वॉल्व ऑफ ट्रिबेशियस जो कि कोरोनरी साइनस के पास होती है. तो ये भी इनका भी सेम काम है टू प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड. तो यहाँ पे मैंने कुछ वॉल्व बताई जो कि पहली है इंफीरियर वेना कावा में, दूसरी है कोरोनरी साइनस में, बट द सुपीरियर वेना कावा डू नॉट हैव एनी वॉल्व. क्यों? क्योंकि इसके पास इसलिए वॉल्व नहीं होती क्योंकि एक एंगल से इस चेंबर में एंटर कर रही होती है. ओके, सपोज ये एक चेंबर है, इट इज अ चेंबर, और वो एक एंगल से इसमें एंटर कर रही है. ओके, जब ये चेंबर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये चेंबर बंद हो जाएगा, इसकी ओपनिंग को क्लोज कर देगा. तो इसीलिए वो उसकी जो ओपनिंग है इस चेंबर के कॉन्ट्रैक्ट होने पर वो खुद ही क्लोज हो जाती है. तो इसीलिए यहाँ पे वो एक एंगल से एंटर कर रही है और यहाँ पे बैकवर्ड फ्लो हो ही नहीं सकता. तो इसीलिए यहाँ पे बैकवर्ड फ्लो पॉसिबल नहीं है. वो एक एंगल से एंटर करती है और जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होता है उसकी ओपनिंग बंद हो जाती है. तो इसीलिए यहाँ पे इसको वॉल्व की जरूरत नहीं है. एक और चीज इस चेंबर के बारे में एक खास चीज बताना चाहेंगे, यहाँ पे एक डिप्रेशन है और एक स्कार है जिसको कहा जाता है फोसा ओवैलिस. सो यहाँ पे एक डिप्रेशन जिसको फोसा ओवैलिस कहते हैं. अच्छा चलिए फोसा ओवैलिस की कहानी देख लेते हैं. तो यहाँ पे क्या है कि ये दोनों मैंने डिप्रेशन बनाए हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे क्या है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होता है, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज हो रही होती है तो ये दोनों बच्चे के एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो ये दोनों जो होते हैं हमारे ये दोनों चेंबर्स के फोसा ओवैलिस ये खुले होते हैं. ठीक है, तो हार्ट डायरेक्टली इस चेंबर से इस चेंबर में जाएगा और मिक्स हार्ट बॉडी में जाता है. ठीक है, लेकिन आफ्टर बर्थ, ओके, और बर्थ होने से कुछ टाइम पहले, 3 मंथ या 1 मंथ पहले क्या होता है, यहाँ पे डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है और ये जो होता है हमारा पहले से फोरमेन ओवैलिस कहा जाता था. तो ये इसका जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में था तो उसका नाम था फोरमेन ओवेल. ओके, लेकिन जब ये बंद हो गया आफ्टर बर्थ तब इसका नाम, इसके रिमेन का नाम रखा फोरमेन ओवैलिस. तो यहाँ पे फोरमेन ओवैलिस है रिमेन्स ऑफ फोरमेन ओवेल. तो ये फोसा ओवैलिस बेसिकली फोरमेन ओवेल का रिमेन है जो कि बंद हो चुके हैं. ओके, जो कि बंद हो चुके हैं. कहा जाता है कि अगर किसी का ये हमारा जो फोरमेन ओवेल है अगर ये बंद नहीं होता चाहे तो उस बच्चे के हार्ट में होल पाया जाता है क्योंकि ये बंद नहीं होता, तो डायरेक्टली ब्लड वहां पे ट्रैवल करता है. चलिए अब हम दूसरे चेंबर की तरफ चलते हैं. तो यहाँ पे है हमारे दूसरे चेंबर लेफ्ट ऑरिकल. यहाँ पे लेफ्ट ऑरिकल में हमारी आती है पल्मोनरी वेन्स. तो पल्मोनरी वेन्स आती है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है. तो यहाँ पे पल्मोनरी वेन एक एक्सेप्शन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है क्योंकि वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड कभी कैरी नहीं करती, लेकिन यहाँ पे पल्मोनरी वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, ये एक एक्सेप्शन है. कहाँ से? लंग से लेके आ रही है. तो यहाँ पे इनका नाम है पल्मोनरी वेन्स. तो पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएंगी. लंग्स में कितने होती हैं? 4 होती हैं, 4 इन नंबर. दे ऑल्सो डू नॉट हैव एनी वॉल्व. इन चारों के पास भी कोई वॉल्व नहीं होती, अगेन द सेम रीजन, ये एक एंगल से घुस रही होती है. जब ये एक एंगल से घुसेगी तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन के समय इनके जो ओपनिंग है वो बंद हो जाएगी टू प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो. ओके, ओपनिंग बंद हो जाएगी तो इसीलिए बैकवर्ड फ्लो अपने आप ही प्रिवेंट हो जाएगा. यहाँ पे इनको किसी वॉल्व की जरूरत नहीं है. 4 आती है, ये लेफ्ट लंग से आएंगी पीछे की साइड से और ये राइट लंग से आएंगी, ये दोनों. ओके, तो ये चेंबर की बात भी हो गई. यहाँ पे आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड. अब इसके बाद हम तो यहाँ से देख लेते हैं कुछ और चीजों के बारे में. तो यहाँ पे आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पे आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड. अब इनको कहाँ जाएगा? ठीक है, वेंट्रिकल भी तो उसको पंप आउट करेगी तो ब्लड कहाँ जाएगा? तो सबसे पहले तो यहाँ पे भी कुछ बल्जेस हैं, इनके बारे में मैं लेटर डिस्कस करूंगी. तो सबसे पहले मैं बता दूं यहां से जो जाती है इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में लेके. ओके, तो मैं इसको ब्लू कलर की बनाती हूँ. तो इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में लेके जाती है हमारी पल्मोनरी आर्टरी. अगेन एन एक्सेप्शन, आर्टरी कभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी नहीं करती, लेकिन यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, पल्मोनरी आर्टरी. ओके, तो पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पे इसको, इस ब्लड को मैं ये सारी चीजें मिटा देती हूँ क्योंकि हमने पढ़ ली है. तो ये जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी है
ये इस ब्लड को लेके जाती है हमारे लंग्स में फॉर ऑक्सीजनेशन ऑब्वियसली. तो ये दोनों लंग में, हाँ ये इसको लेफ्ट लंग में लेके जाएगी और ये वाली इसको राइट लंग में लेके जाएगी. ठीक है. एंड इट ऑल्सो कंटेन सम वॉल्व टू प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो. तो यहाँ पे इनको कहा जाता है द सेमी ल्यूनर वॉल्व, सेमी ल्यूनर वॉल्व विच इज सेमी ल्यूनर वॉल्व जो कि हमारी एक ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है, ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है. तो सेमी ल्यूनर वॉल्व और ठीक है लंग्स में चला गया ब्लड. अब इस चेंबर से देख लेते हैं, यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया नीचे वेंट्रिकल में. अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाना चाहिए बॉडी ऑर्गन्स में, तो इन्हें कौन लेके जाएगा, इन्हें लेके जाएगी एओर्टा. तो एओर्टा भी बना देते हैं. चलिए तो एओर्टा जो कि राइट की तरफ टर्न करती है. ओके तो यहाँ पे ये सारी चीजें रब कर देते हैं. तो यहाँ पे है हमारी एओर्टा, एओर्टा जो कि इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सारे बॉडी ऑर्गन्स में लेके जाएगी. तो एओर्टा आल्सो कंटेन सम वॉल्व, यहाँ पे भी लगी होती है सेमिल्यूनर वॉल्व. तो ये दोनों होती है सेमिल्यूनर वॉल्व विच इज अ ट्राइकस्पिड वॉल्व. कुछ और वॉल्व के बारे में मेरे को आपसे डिस्कस करना है. तो सबसे पहली इस चेंबर के बारे में बात कर लेते हैं. तो यहाँ पे भी कुछ वॉल्व लगी होती है. ये वॉल्व है, ये जो वॉल्व है इसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व. और ये ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर वॉल्व है. तो ये है हमारी ऑरिक्यूलो वेंट्रिक्युलर वॉल्व. क्यों कहा गया इसको ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर वॉल्व, क्योंकि ये ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है, इसीलिए ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर वॉल्व. और क्यों कहा गया इसे ट्राइकस्पिड वॉल्व, क्यों कहा गया इसको ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये क्यों कहा गया, बिकॉज जब हम इसका डाइसेक्शन करेंगे तो हमें कुछ ऐसा अपीयर होगा. इट कंटेन थ्री कस्प, तो इस तीन कस्प दिखाई देंगे ऐसे. तो तीन कस्प हमें दिखाई देंगे, एक सेकेंड मैं रब कर देती हूँ. तो ऐसे हमें कस्प दिखाई देंगे, वन टू और थ्री, तीन कस्प दिखाई देंगे, इसीलिए ट्राइकस्पिड वॉल्व. ठीक है. अब यहाँ पे जो कि लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है ये जो वॉल्व है हमारी, ठीक है, इनका नाम है ये भी ऑरिक्यूलो ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर वॉल्व. लेकिन फर्क क्या है, यहाँ पे है ये राइट ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर वॉल्व क्योंकि ये राइट साइड में, यहाँ पे है ये लेफ्ट ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर वॉल्व क्योंकि ये लेफ्ट साइड में. इसका एक अलग नाम है, इसको बाइकस्पिड वॉल्व भी कहते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व. अगेन डाइसेक्शन कंटेन टू कस्प ओनली, ओके, एंड ऑल्सो कॉल्ड मिट्रल वॉल्व. तो यहाँ पे सारे चेंबर्स के बारे में हमने पढ़ लिया है. ओके तो सारे चेंबर्स के बारे में हमने पढ़ लिया है. यहाँ पे कुछ और चीजें रह रही हैं जो कि हम लेटर डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं कि यहाँ पे आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इस चेंबर में कॉन्ट्रैक्शन होके वो वेंट्रिकल में चला गया. इस वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के जरिए ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा लंग्स के पास दोनों, और इस चेंबर में आएगा लेफ्ट ऑरिकल में आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि जाएगा सेम वेंट्रिकल में, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा के जरिए जाएगा हमारी बॉडी ऑर्गन्स में. ओके और आपको पता ही है मेमेलियन एओर्टा जो कि इस लेफ्ट साइड टर्न करती है, इन द केस ऑफ बर्ड्स जो हमारी एओर्टा है वो राइट साइड टर्न करती है. यही डिफरेंस है बर्ड्स और ह्यूमंस के हार्ट के बीच में, बाकी वो सारे चीजें सेम है. थैंक यू.